गिरिडीह जिले के तमाम सभी संवर्ग के लोग पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर 13 मार्च को गिरिडीह सर जेसी बोस विद्यालय से पैदल यात्रा निकाले, जिसमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए जिले के शिक्षकगण, पंचायत सचिव, जनसेवक एवं अन्य सरकारी कर्मचारियों ने यात्रा गिरिडीह भ्रमण के उपरांत पुनः सर जेसी बोस विद्यालय वापस आने के बाद बैठक किया गया, जिसमें अशोक कुमार सिंह, वशिष्ठ कुमार सिंह एवं अन्य शिक्षा जगत के शिक्षकों ने अपने संवेदना भाषण एवं गीतों के माध्यम से लोगों को प्रेरित किए और सरकार के नाम मानने पर आगे का रणनीति सुने। सभा अध्यक्ष मंचा से, वरीय साथी एवं तमाम उपस्थित साथियों, सर्वप्रथम आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। क्रांतिकारी अभिनंदन इसलिए भी करते हैं कि आपने दृढ़ इच्छा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। साथियों, हम कहना चाहेंगे किसी भी आंदोलन में उसकी सफलता निर्भर करता है अगर उसके इतिहास को आप जानेंगे। इतिहास को जाने बगैर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता हासिल नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे साथी चर्चा के दरमियान यह कह रहे थे, पहले तो कोई जानता भी नहीं था, हम नहीं जानते थे। शुरुआती दौर में ही इतिहास क्या है, पुराना पेंशन अंग्रेज काल से स्टार्ट हुआ और समाप्त कब हुआ, केंद्र में अक्टूबर 3 में और झारखंड में दिसंबर 4 में। तो यह इतिहास कैसे हुआ आपको बताना चाहेंगे कि 1990 के सत्र काल में ही पुरानी पेंशन के लिए ग्रह के रूप में 3 बार बिल को रोकने के लिए हड़ताल हमने किया। आज भी कलेक्ट्रेट जाएंगे, मेरा सर्विस बुक देखेंगे, उसमें पाएंगे कि वो दिन हमारा कटा हुआ है। 5 साथी इस कलेक्ट्रेट में हड़ताल पर थे, वेतन कटाकर हड़ताल हमने पूरा बंद करा दिया था, गिरिडीह को बंद करा दिया था, समूचे झारखंड में उत्पात मचा दिया था। लेकिन जब वेतन कटने की बारी आई तो 5 साथी ने अपना वेतन कटाया, बाद में उन्होंने हाजिरी बना लिया। 2 हड़ताल हम लोगों ने किया जब PFRDA बिल पास हो गया, किसके जमाने में, अटल बिहारी के जमाने में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो उनके जमाने में उन्होंने पास कर दिया, तब हम लोग 2-2 बार उसको वापस करने के लिए हड़ताल किया। उस समय आप लोग बहाल नहीं हुए थे, जब जिस समय हम आंदोलन कर रहे थे 2-4 साथी बहाल हुए थे, उनका कहना था नेताजी किस चक्कर में पड़े हुए हैं। अब देखिए दोनों तरफ से किस प्रकार नेता का हाल होता है। जब रोकने की बात कर रहे थे कि PFRDA बिल पास मत होने दो, सरकार ने कहा कि हम अभी से लागू नहीं कर रहे, पुराने कर्मचारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नया कर्मचारी जो बहाल करेंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा, फिर आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि आपत्ति इसलिए कर रहे हैं कि मेरा भविष्य कल खराब होगा, पहले आप नए कर्मचारी का छीनेंगे, फिर पुराने कर्मचारी को जो पेंशन मिल रहा है वो भी बीच में आप रोक देंगे, आपका इतिहास है। तो इस प्रकार से 5 दिनों तक वेतन कटाकर हड़ताल किया है रोकने और इसको वापस कराने में। हमारे नए साथी जो आज यहाँ बैठे हैं, इनमें से 2-4 साथी होंगे भी, ठीक ही कहा हमारे एक साथी ने कि शुरुआती दौर में कहा इसमें तो बहुत फायदा है, इन नेता लोग बरगला रहा है, इसमें तो हम इतना करोड़ रुपया आएगा, इतना जमा होगा, यह होगा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये सरकार हमारा पैसा जिस डूबे हुए खजाने में डाल देगा, फैक्ट्री में लगा देगा, कि बाद में खाली कटोरा लेकर के हमको रिटायर होना होगा। गर्मी कब आई, गर्मी तब आई जब 2-4-10 कर्मचारी नए कर्मचारी नए योजना वाला रिटायर किया और जब देखा 1200 रुपया पेंशन मिल रहा है, 700 रुपया पेंशन मिल रहा है, 800 रुपया पेंशन मिल रहा है, तब हमें गर्मी आई है। और अभी भी पूरी गर्मी नहीं आई है। गर्मी क्यों नहीं आई है, एक रूम में बैठते हैं 5 गो पुराना पेंशन वाला है, 6 गो नया पेंशन वाला है, तो वो अपने आप को ऐसे हिला के दिखाता है जैसे लगता है कि वो तो कमीशन पेश करके आया है और आप कहीं से उठा के कार्यालय में डाल दिए गए। ये सोच गलत सोच है, इसलिए हम आपको साफ शब्दों में कहना चाहते हैं और पुराने कर्मचारियों के भी, एक दिन नहीं बल्कि हमारा कार्यक्रम जानते हैं मुन्ना जी और आप लोग भी बहुत सारे लोग जानते हैं, महीने में कम से कम तो 25 दिन भीड़ के बीच ही रहते हैं। 67 संगठन है, ऑल इंडिया का संगठन है, स्टेट संगठन है, फिर इंटक के हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश के। और आपको बता दें सरकार के चरित्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब हम लोगों ने हड़ताल किया, जब हम लोगों ने दबाव दिया।
किया, कैबिनेट से वापस हुआ, फिर सदन में चला गया, फिर हम लोगों ने हड़ताल कर दिया। तिरुवनंतपुरम में पहली बैठक हमारी हुई थी केरला में, वहां हमने हड़ताल का निर्णय लिया था पीएफआरटीए बिल के विरुद्ध में, तो कैबिनेट से वापस हो गया था, फिर कैबिनेट पास करके उसको सदन में भेज दिया। फिर हम लोग कलकत्ता के मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया, फिर हम लोग हड़ताल का घोषणा किया, तो मनमोहन सिंह फिर पीछे उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन जो ही है सबकी बारी बार बार अटल बिहारी एक बार, ये जैसे आ गए फिर वहां क्या बस चलता। कह रहे थे हमारे देवेंद्र भाई कि हम लोग तो लाचार हो गए, वो उसने पास कर दिया। कैसे पास किया? कुछ दो चार लाइनें, दो लाइनें समर्पित करती हूं। किसी के मीठे बोल हैं, किसी के मीठे बोल हैं, किसी के नियत में झोल है, साहब ये दुनिया गोल है और सबके डबल रोल है। ये हमारी वर्तमान सरकार की मंशा है आज के समय में, तो सुन ले वर्तमान हेमंत सरकार, मातृ शक्तियां आ गई हैं, दुर्गा भी हैं और चंडी भी हैं, तो दो लाइन हमारी मातृशक्ति के लिए। कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। चूंकि उद्घोषक महोदय से ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि काफी कम समय है अपने शब्दों को दो लाइन से अंत करने या आगाज करने की कोशिश करती हूं। एक दिन वर्षों का यही संघर्ष, एक दिन वर्षों का यही संघर्ष बंधुओं, मित्रों, माताओं, बहनों, सभागार में उपस्थित और नहीं आ सकने वाली तमाम माताओं, एक दिन वर्षों का यही संघर्ष बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमसे टकराएगा और इसका मुझे 100% 100% विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।